उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार उनके विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बहुगुणा साय अमरिया रोड स्थित SH हॉस्पिटल के पास पहुंचे। वहां पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनको लाद दिया। बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं व समर्थकों का आभार जताया। उनका कहना था कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसमें विधानसभा क्षेत्र की जनता का अतुलनीय योगदान है। वो अपने दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसके बाद बहुगुणा चीनी मिल के निरीक्षण को रवाना होंगे। वो रात्रि विश्राम अपने आवास पर ही करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण किया। इस मौके पर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राय, पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। देखिए, सितारगंज आज पहली बार आया हूँ मंत्री बनने के बाद, और मैं पूरे क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से जो आपने दूसरी बार अपने भाई बेटे को जिता के भेजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको एक मौका दिया उत्तराखंड की सेवा करने का। जिस क्षेत्र, जिस प्रदेश की मेरे दादाजी ने, जिस प्रदेश की मेरे पिताजी ने सेवा करी थी, आज मुझे भी उसका सेवा करने का मौका मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तहे दिल से मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे साथ संघर्ष किया, 5 साल सेवा करी क्षेत्र की, और उसका आशीर्वाद हम लोग को मिला आ रहा मंत्री बनने के बाद। और सबसे पहले मैं माननीय राजेश शुक्ला जी के क्षेत्र में किच्छा में जो चीनी मिल थी उसका हमने निरीक्षण किया, और उसके बाद मैं सितारगंज अपने क्षेत्र में आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आया था, और क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान निकलना है, उसके ऊपर चर्चा करी है। मैं आने से पहले 6 दिन पहले, हमने 4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक ऑलरेडी ले चुके हैं सारे अधिकारियों के साथ, तो समस्या सारी पता है। बस आज चीनी मिल का निरीक्षण करने आए थे कि कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो गया, कितना पिराई सत्र हो गया है, कितने चीनी के बन गए हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब आज देख के जा रहे हैं, और बहुत जल्द इन सबका समाधान किया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि 4 दिन पहले मैंने एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ ली है, और टोटल में हमारे यहाँ 396 करोड़ का, और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है, जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को कि जितनी भी चीनी मिले हैं, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी प्रदेश की चीनी मिलों की बात कर रहा हूँ, कि बहुत जल्द, मैंने 40 से 45 दिन का हमने उनको टारगेट दिया है कि आप सारी जो भुगतान है उसको पूरा करके देखिए।